सोनालिका ट्रैक्टर्स की सर्विस व मेंटेनेंस करने के सही तरीके। सोनालिका के और हमारे डीलर्स की सर्विस टीम और कामगार साथियों, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड जो कि सोनालिका ब्रांड के ट्रैक्टर्स बनाते हैं कम मैनेजमेंट, आपकी कार्यकुशलता के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से सोनालिका ट्रैक्टर्स ने विश्व भर में कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारी ये फिल्म आपको और हमारे मूल्यवान ग्राहकों को सही और पूर्ण रूप से व्यवस्थित ट्रैक्टर की सर्विस करने और उसकी मेंटेनेंस के तरीकों को क्रमानुसार दिखाएगी। ट्रैक्टर में विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल किए जाने वाले लुब्रिकेंट्स और स्पेयर पार्ट को ठीक समय पर बदलवाने से ट्रैक्टर के जीवन को 50% तक बढ़ाया जा सकता है, यानी ग्राहकों का सोनालिका ट्रैक्टर चलेगा सालों साल बिना किसी रुकावट के। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इससे ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है तथा हमारे सोनालिका ट्रैक्टर में ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाता है। हिंदुस्तान में ट्रैक्टर आज किसान भाइयों की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। सोनालिका ट्रैक्टर्स एक विश्व स्तरीय कंपनी है जिसने ताकतवर ट्रैक्टर की श्रृंखला बनाने में महारत हासिल की है। ये है सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक सीरीज हैवी ड्यूटी वर्ल्ड क्लास ट्रैक्टर्स, जो एक बहुत ही शानदार, अच्छा दिखने वाला और उतना ही मजबूत ट्रैक्टर है जो हर तरह के काम करने में सक्षम है। ये श्रीमान चौधरी राम प्रसाद हैं, जिन्होंने हाल ही में सोनालिका वर्ल्ड क्लास हैवी ड्यूटी वर्ल्ड ट्रैक्टर खरीदा है, जिसे ये सर्विस के लिए हमारे सोनालिका शोरूम की वर्कशॉप में लाए हैं। वर्कशॉप मैनेजर सुश्री अंजू उनका स्वागत करती हैं और उनका सर्विस जॉब कार्ड बनाती हैं। चौधरी साहब चालक पुस्तिका के अनुसार 50 घंटे एक महीने के अंदर ही अपने ट्रैक्टर की सर्विसिंग के लिए आए हैं। पूरे कार्य को समझने के बाद चौधरी साहब को कस्टमर लाउंज में उचित जगह पर बिठा दिया जाएगा और सारी जानकारी सर्विस के लिए फोरमैन तक पहुंचा दी गई है। हमारे एक्सपर्ट मैकेनिक जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, एक एक करके ट्रैक्टर की जांच, जरूरी बदलाव एवं सफाई करेंगे जो पहली सर्विस में आवश्यक है। सबसे पहले ट्रैक्टर को पानी के फव्वारे से अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि कहीं भी मिट्टी, ऑयल या ग्रीस ट्रैक्टर की बॉडी पर बची ना रह जाए। धुलाई के बाद ट्रैक्टर को वर्कशॉप बे में लाकर सुखाया जाता है। अब मैकेनिक साहब ट्रैक्टर की सर्विसिंग शुरू करेंगे। इंजन सम्प का ड्रेन प्लग खोलकर इंजन ऑयल निकाला जाता है और इसका इंजन ऑयल फिल्टर भी बदला जाता है। सारा ऑयल निकालने के बाद ड्रेन प्लग को कस दिया जाता है और इंजन में सोनालिका मैक्सिमा इंजन ऑयल निर्धारित मात्रा में भर दिया जाता है। अब एयर क्लीनर असेंबली को खोलकर एयर क्लीनर की जाली व बाउल को डीजल व एयर प्रेशर से अच्छी तरह साफ किया जाता है। साफ करने के बाद एयर क्लीनर बाउल में निर्धारित मात्रा में ऑयल भरकर फिट कर दिया जाता है। ध्यान दें, जहां पर सूखा एयर क्लीनर या ड्राई एयर क्लीनर लगा है वहां फिल्टर एलिमेंट को हवा द्वारा साफ किया जाता है और अगर फिल्टर एलिमेंट कटा या फटा है तो उसे बदलना जरूरी है। अब फ्यूल कॉक को बंद करके FIP के फीड पंप बाउल व जाली को साफ किया जाता है। फ्यूल फिल्टर बाउल के ड्रेन प्लग को खोलकर दूषित डीजल को निकाला जाता है। वाटर सेपरेटर से भी पानी निकाला जाता है। अब 3 सिलेंडर इंजन के टेपेट का क्लियरेंस सेट किया जाता है। कंपनी के मानक अनुसार इनलेट वाल्व का क्लियरेंस 0.2 से 0.3 mm और एग्जॉस्ट वाल्व का क्लियरेंस 0.2 से 0.4 mm रखा जाता है। अब इंजन को घुमाया जाता है और टेपेट वाल्व 2 नंबर और 5 नंबर को पूरा दबाया जाता है। पूरा दबने पर वाल्व नंबर 1, 3, 4 और 6 को फिलर गेज द्वारा सेट किया जाता है। फिर इंजन को 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तथा 3 और 6 नंबर वाल्व को पूरा दबाया जाता है। दबाने के बाद 2 और 5 नंबर का वाल्व का क्लियरेंस फिलर गेज द्वारा सेट किया जाता है। अब 4 सिलेंडर इंजन का टेपेट सेट करने का तरीका इस प्रकार है। इसमें पहले 6 और 7 नंबर वाल्व को दबाएंगे। पूरा दबने पर 1, 2, 3,
चार, पाँच और आठ वॉल्व को फिलर गेज द्वारा सेट करेंगे। फिर इंजन को 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे और तीन और आठ नंबर वॉल्व को पूरा दबाएंगे। पूरा दबने पर छह और सात नंबर वॉल्व को फिलर गेज द्वारा सेट किया जाता है। हाइड्रोलिक ऑयल स्ट्रेनर को खोलकर इसकी सफाई की जाती है व हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर को बदला जाता है। अब रेडिएटर की रिकवरी टैंक के कूलेंट लेवल की जांच की जाती है और अगर कम है तो पूरा किया जाता है। बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल जांचा जाता है और अगर कोई कमी है तो पूरा किया जाता है और मल्टीमीटर द्वारा वोल्टेज की भी जांच की जाती है। यदि ये 12.8 वोल्ट से कम है तो बैटरी को चार्ज किया जाता है। फैन बेल्ट के तनाव को चेक करें, 8 से 10 mm तक रखा जाता है। मैकेनिकल स्टीयरिंग बॉक्स ऑयल के लेवल की जांच की जाती है, अगर कम हो तो इसे पूरा करें। पावर स्टीयरिंग टैंक का लेवल चेक किया जाता है, अगर कम हो तो पूरा किया जाता है। ट्रांसमिशन ऑयल का लेवल भी जांचा जाता है, अगर कम है तो इसे पूरा किया जाता है। ट्रैक्टर के ब्रेक व क्लच पैडल की फ्री प्ले की जांच की जाती है। ब्रेक पैडल की फ्री प्ले 50 से 55 mm और क्लच पैडल की फ्री प्ले 25 से 35 mm होनी चाहिए। अगर कम या ज्यादा है तो एडजस्ट किया जाता है। अब ट्रैक्टर के सारे नट बोल्ट्स चेक किए जाते हैं और टॉर्क रिंच से निर्धारित टॉर्क यानी टाइट किया जाता है। फ्रंट टायर की टो इन की जांच की जाती है, अगर कम या ज्यादा है तो इसे एडजस्ट किया जाता है। ऑयल गेज, टेम्परेचर गेज व अन्य मीटर की कार्यशैली की जांच की जाती है और ट्रैक्टर के इंजन के आरपीएम की भी जांच की जाती है। ट्रैक्टर में लगे सभी ब्रीदर जहां जहां भी लगे हों, जैसे इंजन, ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक व फ्रंट फोर व्हील ड्राइव की भी सफाई की जाती है। अंत में ट्रैक्टर की वॉशिंग, ग्रीसिंग व टायर प्रेशर की जांच करने के बाद रोड टेस्ट भी किया जाता है व हाइड्रोलिक की कार्य प्रणाली को भी चेक किया जाता है। यहाँ पहली सर्विस की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और ट्रैक्टर श्री राम प्रसाद चौधरी जी को सौंप दिया जाता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अगली सर्विस आज से दो महीने के अंदर या 250 घंटे से पहले जरूर करवाएं। सर्विस टू, आइए देखते हैं कि द्वितीय सर्विस जो 250 घंटे या डिलीवरी के तीन महीने के अंदर जो भी पहले हो करवा लेनी चाहिए, जिसमें पहली सर्विस की प्रक्रियाओं के अलावा प्राइमरी फ्यूल फिल्टर का बदलाव किया जाता है व सूखे एयर क्लीनर के प्राइमरी फिल्टर एलिमेंट की सफाई की जानी चाहिए। फ्रंट फोर व्हील ड्राइव एवं डिफरेंशियल ऑयल को बदला जाता है। फिलिंग कम लेवल प्लग को घड़ी के 3 या 9 बजे के स्थान पर लाएं और ऑयल को प्लग लेवल तक चेक करें। फिलिंग कम लेवल प्लग तक भरा होना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान दें कि पहली सर्विस की प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से दोहराई जाएं, ताकि ग्राहक को अपने ट्रैक्टर को अगले 250 घंटे तक चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर्विस थ्री, 500 घंटे या डिलीवरी के 6 महीने के अंदर जो भी पहले हो सर्विस करवा लेनी चाहिए। इस तीसरी सर्विस में भी प्रथम सर्विस की पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके अलावा ऑयल और फिल्टर के बदलाव वाले चरण में सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर एवं पावर स्टीयरिंग टैंक के ऑयल और ऑयल फिल्टर को भी बदला जाएगा व सूखे एयर क्लीनर के प्राइमरी एलिमेंट की सफाई की जाएगी। सर्विस फोर, 750 घंटे या डिलीवरी के 9 महीने के अंदर जो भी पहले हो सर्विस करवा लेनी चाहिए। जब ग्राहक चौथी सर्विस के लिए यानी कि ट्रैक्टर के लगभग 750 घंटे चलने के अंदर सर्विस के लिए आएंगे, तब वहां भी प्रथम सर्विस की सारी प्रक्रियाएं दोहराई जाएंगी। इसके साथ साथ ऑयल और फिल्टर के बदलाव वाले चरण में सेकेंडरी की जगह प्राइमरी फ्यूल फिल्टर को बदला जाता है, साथ ही मैग्नेटिक हाइड्रोलिक स्ट्रेनर को भी बदला जाता है। सूखे एयर क्लीनर के प्राइमरी एलिमेंट को भी बदला जाता है। सर्विस फाइव,
1000 घंटे या डिलीवरी के 12 महीनों के अंदर जो भी पहले सर्विस हो करवा लेनी चाहिए। पांचवी सर्विसिंग के दौरान जो 1000 घंटे के अंदर होती है में भी प्रथम सर्विस की पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। साथ ही कुछ कार्य और भी किए जाते हैं, जैसे कि ऑयल एवं फिल्टर के बदलाव वाले चरण में सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर एवं ट्रांसमिशन ऑयल को भी बदला जाता है एवं फ्रंट फोर व्हील ड्राइव डिफरेंशियल ऑयल को बदला जाता है। सर्विस 6, 1250 घंटे या डिलीवरी के 15 महीने के अंदर जो भी पहले हो सर्विस करवा लेनी चाहिए। छठी सर्विसिंग के दौरान जो 1250 घंटे के अंदर होती है में भी प्रथम सर्विस की पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। साथ ही कुछ कार्य और भी किए जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी फ्यूल फिल्टर एवं पावर स्टेयरिंग टैंक के ऑयल फिल्टर व ऑयल को भी बदला जाता है। सर्विस 7, 1500 घंटे या डिलीवरी के 18 महीने के अंदर जो भी पहले हो सर्विस करवा लेनी चाहिए। पहली सर्विस की प्रक्रिया के अलावा सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर व हाइड्रोलिक मैग्नेटिक स्ट्रेनर को भी बदला जाता है। सर्विस 8, 1750 घंटे या डिलीवरी के 21 महीने के अंदर जो भी पहले हो सर्विस करवा लेनी चाहिए। पहली सर्विस की प्रक्रिया के अलावा प्राइमरी फ्यूल फिल्टर को बदला जाता है एवं फ्रंट फोर व्हील ड्राइव डिफरेंशियल ऑयल को बदला जाता है। सर्विस 9, 2000 घंटे या डिलीवरी के 24 महीने के अंदर जो भी पहले हो सर्विस करवा लेनी चाहिए। पहली सर्विस की प्रक्रिया के अलावा सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर, पावर स्टेयरिंग ऑयल फिल्टर और ऑयल को भी बदला जाता है। ट्रांसमिशन ऑयल और हाइड्रोलिक फिल्टर को भी बदला जाता है। याद रखें कि हर सर्विस के दौरान प्रथम सर्विस में अपनाई गई प्रक्रियाओं को दोहराना अत्यंत आवश्यक है एवं हर 250 घंटे के अंदर सर्विसिंग कराना भी आवश्यक है और हर तीसरे सूखे प्राइमरी एयर फिल्टर के साथ सेकेंडरी एयर फिल्टर को भी बदलना जरूरी है। तो हमारे चौधरी साहब की तरह अगर आप अन्य ग्राहकों के ट्रैक्टर को सालों साल चलाना चाहते हैं तो इसका ख्याल रखिए और ग्राहक के ट्रैक्टर को लंबी उम्र दीजिए। इस वीडियो फिल्म को देखने के बाद भी यदि आप ट्रैक्टर के रखरखाव, इसके इस्तेमाल अथवा किसी विशिष्ट मॉडल से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया ऑपरेटर मैनुअल देखें। संतुष्ट ग्राहक हमारा लक्ष्य है।